फल पहनाएंगे। उसके लिए मैंने अपना दुपट्टा ले लिया है, तो एक साइड से थोड़ा सा कॉर्नर बचा देंगे और उसे टाइट पकड़ के रखने के लिए बोलेंगे, टाइट पकड़ लेंगे, और दूसरे साइड से इसे कान के पास से राउंड लेके एक साइड से थोड़ा भाग चपटा रहेगा और एक साइड से थोड़ा फोल्ड करके इसे वापस से टर्न लेके साफा बांधेंगे इस तरीके से। एक साइड से थोड़ा चपटा रहता है और एक साइड से इसे राउंड राउंड शेप रहता है, इस तरीके से राउंड ले लेंगे ऐसा, और जहाँ पे एक्स्ट्रा है उसे फोल्ड कर देंगे, सेट कर लेंगे इस तरीके से, इस तरीके से ले लेंगे। उसके बाद फिर से एक बार फिर से राउंड करेंगे, एक साइड से भाग थोड़ा चौड़ा रहेगा और एक साइड से थोड़ा सा फोल्ड करके इस तरीके से पिनअप कर देंगे ताकि वो प्रॉपर साफा दिखे, इस तरीके से सेट कर लेंगे और फिर पिनअप कर देंगे ताकि वो निकले नहीं, वो थोड़ा सिल्क का है ना इसलिए वो थोड़ा सा फिसल जाता है, इसलिए अच्छे से प्रॉपर पिनअप कर लेंगे इस तरीके से। और जो बचा हुआ भाग है उसे भी पिनअप से प्रॉपर सेट कर लेंगे। और ये आगे वाले भाग को पीछे कर देंगे, ये आगे से थोड़ा सेट कर लेंगे और पीछे से भी सेट करके अच्छे से पिनअप कर लेंगे ताकि साफा निकले नहीं, इस तरीके से। से प्रॉपर आगे से सेट कर लेंगे। साफा बांधने में थोड़ा टाइम लगता है, बहुत मुश्किल होता है साफा बनाना, पर ठीक है बच्ची कोऑपरेटिव हुए तो जल्दी से हो पाया। इस तरीके से बांध लेंगे साफा। उसके बाद हम, ये मेरी इयररिंग्स हैं तो ऐसे उसे टेप लेके चिपका लेंगे इस तरीके से, ये इयररिंग्स पे टेप चिपका देंगे। उसके बाद हम साफे पे इसे प्रॉपर चिपका लेंगे, इस तरीके से लगाएंगे टेप ताकि वो निकले नहीं, से इस तरीके से लगा देंगे जी। ये हमारा साफा तैयार है। यहाँ से फिसल रही थी, इसे यहाँ पे पिनअप कर देती हूँ ताकि निकले नहीं साफा, इस तरीके से। प्लीज लाइक सब्सक्राइब माय चैनल।